दोस्तों Redmi 9 स्मार्टफोन लॉन्च से पहले ही फिलीपींस के एक वेबसाइट पर लिस्टेड किया गया है, जिसमें इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, कलर ऑप्शंस और प्राइस के बारे में पता चला है। Redmi 9 स्मार्टफोन के फुल डिटेल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो फोन में आपको जो है सर्कुलर डिजाइन मिलेगा, जो कि काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही फोन के कॉर्नर्स आपको राउंडेड एंड कर्व्ड मिलेंगे। रियर पैनल पे आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा। Redmi 9 स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा, जिस पे आपको बेजल बहुत ही कम देखने मिलेंगे। फोन में आपको 2 GHz पे ऑक्टा कोर MediaTek का हीलियो G80 का चिपसेट मिलेगा। ये प्रोसेसर इस बजट में काफ़ी अच्छा और पावरफुल चिपसेट है। फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा, तो 8 MP का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 MP का मैक्रो, तो 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। फोन में आपको 8 MP का AI फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा। Redmi 9 स्मार्टफोन में आपको 5020mAh की मैसिव बैटरी मिलेगा, जिसमें आपको टाइप सी पोर्ट के साथ 18W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों बात करूं Redmi 9 स्मार्टफोन के प्राइस की, तो फिलीपींस में ये फ़ोन जो है 10,000 से लेकर 12,000 रुपये के प्राइस रेंज में जो है लिस्टेड किया गया है, जिसमें ये फ़ोन जो है ग्रे, पर्पल और ग्रीन ऐसे 3 कलर वेरिएंट में लिस्टेड किया गया है। बात करूँ ये फ़ोन इंडिया में कब और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है, तो आपको बता दूँ कि ये फ़ोन जो है 9,000 से लेकर 11,000 रुपये के बीच में लॉन्च होगा, जो कि हो सकता है आपको जून के एंड ऑफ द वीक या फिर जुलाई के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने मिले। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है Redmi 9 स्मार्टफोन के बारे में, और क्या आप लोग इस फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं? आपकी राय मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल EDTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।